Swayam Prabhat Digital India, Educated India Namaskar. दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर केंद्रित इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग 1960 के दशक के अंत की ओर विकसित हुई नव कैम्ब्रिज जिसे नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भी कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे पिछले लेक्चर में हमने मार्क्सवादी विचारधारा की बात की थी 1940 के दशक के मध्य 1946 में ए आर देसाई की किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म की बात की थी और फिर बाद के दशकों में भी इस किताब की द्वारा सेट की गई जो फ्रेम है और मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत लिखी हुई इतिहास दर्शन आदि के बारे में बहुत संक्षेप में ही सही हमने जिक्र किया था अब यह दिलचस्प बात है कि जहाँ 1940 के दशक के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक ताने बानों की बात हो रही थी एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ फिर 1960 के शुरुआत से ही कृषकों और श्रमिकों के भागीदारी उनके इतिहास की बात हो रही थी ऐसे में 1960 के दशक के अंत में यह नौ कैम्ब्रिज विचारधारा हमारे सामने आता है 1960 के का दशक कई मायनों में भारत ही नहीं वैश्विक धरातल पर भी नए और तीखे प्रश्नों के साथ राजनीति को नए मोड़ देने में लगा हुआ था भारत में कृषि और कृषक समुदायों के ऊपर विशेष रूप से इतिहास लेखन में हम चर्चा पाते हैं यही समय था जब ब्रिटेन में इतिहासकारों का वामपंथी इतिहासकारों का एक छोटा सा समूह हिस्ट्री फ्रॉम बिलो अर्थात सामाजिक इतिहास को नीचे से देखने की प्रक्रिया के साथ एक नजरिया जहां आप उन वर्गों और समूहों की बात करते हैं जो अब तक भुला दिए गए थे इतिहास में और इस हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के हस्तक्षेप का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हर जगह ब्रिटेन में ही मात्र नहीं इस विचारधारा में इस इतिहास लेखन में खासकर ईपी थॉमसन जिनका काम अंग्रेजी श्रमिक वर्ग के ऊपर उनकी संस्कृति के ऊपर उनकी चेतना के ऊपर है तो ईपी e. थॉमसन का काम ब्रिटेन के श्रमिक वर्ग के ऊपर उनकी चेतना के ऊपर यह बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी है जब हम 20वीं सदी के इतिहास लेखन की बात करते हैं उधर अमेरिका में नारीवादी आंदोलन हो रहे थे और वह इतिहास में ही नहीं बन समाज विज्ञान को देखने समाज को देखने की ज्ञान मीमांसा के स्तर पर भी नए नए चुनौतियां हमारे सामने ला रही थी ऐसे में जहां एक तरफ नीचे से इतिहास को देखने की बात है जो अब तक अछूते रह गए वर्ग हैं समुदाय हैं चाहे वह श्रमिकों का हो या फिर वह नारियों की भागीदारी हो इत, अतीत में इतिहास में वह हो रही थी वहाँ दूसरी तरफ 1960 के दशक के अंत में हम उन्नीस में अनिल सिल की किताब इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कोलेबोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन लेट नाइनटीन सेंचुरी हमारे सामने आती है और इस किताब ने अपने बेहद उत्तेजक मान्यताओं के कारण उपयोग में लाए गए दस्तावेजों की व्यापकता के कारण बहुत जल्द ही इतिहासविदों का ध्यान अपनी तरफ खींचा कुछ ही सालों के बाद कैम्ब्रिज के इनके कुछ सहयोगी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक सहयोगी इन सबके सामूहिक प्रयास से 1973 में जॉन गैलेगर गॉर्डन जॉनसन और अनिल सिल स्वैंग इनके संपादन में लोकेलिटी प्रोविंस एंड नेशन एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स 1870 से 1940 पहले इन लेखों का प्रकाशन मॉडर्न एशियन स्टडीज़ में हुआ और फिर इस शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई एक दो साल के बाद 1975 में इन्हीं के एक और सहयोगी इतिहासकार जुडित ब्राउन की पुस्तक जो महात्मा गांधी के ऊपर थी जिसका शीर्षक था गांधीज राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से 1922 यह प्रकाशित हुई और इन प्रकाशनों को इतिहास लेखन में इनके कुछ मान्यताओं के कारण कुछ निष्कर्षों के कारण सामूहिक रूप से नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के नाम से जाना जाता है यहाँ जो बेहद खास था वह यह कि एक तो जैसा मैंने अभी तुरंत जिक्र किया कि इनकी मान्यता राष्ट्रवाद को लेकर जो इनके निष्कर्ष सामने आए जिसने बहुतों को प्रभोक किया यह हालिया दशकों में जिस तरह से राष्ट्रवाद की समझ बनी थी भारत में या भारतीय इतिहास को लेकर यूरोप में उसके ठीक विपरीत था पर दूसरे स्तर पर जिस बात ने पाठकों का ध्यान खींचा वह था इनके द्वारा इस्तेमाल में लाई गई एक अब तक का अछूता आर्काइव सरकारी दस्तावेजों का बहुतायत के साथ इस्तेमाल या यदि मोटे तौर पर कहें तो ऐतिहासिक आंकड़ों का अद्भुत इस्तेमाल परिमाण के स्तर पर भी बहुत अधिक संख्या में इस्तेमाल अपनी बातों को के पक्ष में अपने सिद्धांत अपने निष्कर्षों के पक्ष में दिए गए जो साक्ष्य थे उनका जो वॉल्यूम था वो अपने आप में चकाचौंध करने वाला था यह इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि 1960 के दशक के मध्य में उन्नीस में पैंसठ छियासठ में अभिलेखागार में दस्तावेजों के इस्तेमाल करने के जो पहले से नियम थे उनमें बदलाव आए और पहले जहां तैंतीस साल की सीमा रेखा थी किसी घटना या किसी सरकारी नीति के तैंतीस साल के बाद ही आप उन दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अब वह घटाकर 25 साल कर दी गई तो इससे भी नए किस्म के दस्तावेजों तक इतिहासकारों की पहुंच संभव हो पाई और विशेष रूप से ये वे दस्तावेज थे जो कि प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रांतों के इतिहास को हमारे सामने लाने में सक्षम हुए तो नया नज़रिया नए दस्तावेज और नई तरह की मान्यताएँ आप इनके निष्कर्षों से इनकी संकल्पनाओं से बेहद खफा हो सकते हैं आपको ये पसंद आ सकती हैं लेकिन जो भी हो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसलिए भी हम लोग आज इस इतिहास लेखन के स्कूल की बात कर रहे हैं यहां पहली बार अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बजाय स्वाधीनता संग्राम को देखने के लिए प्रादेशिक और स्थानीय नेताओं के साथ इस केंद्रीय नेतृत्व के साथ के संबंध पर जोर दिया जाने लगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण और नई बात इसलिए भी है क्योंकि यद्यपि जैसा मैंने पहले के लेक्चर में इंगित किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो क्षेत्रीय इतिहास की बात होने लगी थी जैसे मैंने जिक्र किया था ऐसे रिजवी के संपादन में उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम का कई जिल्दों में प्रकाशित होना या बाद में 1980 के दशक में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर अलग अलग माइक्रो स्टडीज़ या आप कह सकते हैं केस स्टडीज़ जैसे बलिया में सतारा में जो हुआ उनके ऊपर इतिहासकारों ने काम करना शुरू प्रकाशित करना शुरू किया तो क्षेत्रीय इतिहास या प्रांतों का इतिहास इससे पहले भी लिखा जा रहा था उसके बाद भी लिखा जा रहा है लेकिन अनिल सेल या गॉर्डन जॉनसन गैलेगर जुटित ब्राउन इनमें जो खास था इनकी रचनाओं में वह यह कि यहाँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को स्थानीय नेताओं के साथ प्रादेशिक नेताओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा था तो यह जो तीनों स्तर पर संबंध बन रहे हैं उसकी बात है अर्थात फोकस शिफ्ट हो रहा है दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बेहद उत्तेजक रही है इस विचारधारा के साथ जुड़ी हुई वह यह कि यहाँ राष्ट्रवाद के विचारधारा की जांच पड़ताल के बजाय राष्ट्रीय राजनीति को उसके जो असल जोर तोर राजनीतिक जोर तोर जिसे कहते हैं रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं उसके बरक्स देखा जा रहा है इससे हो यह रहा है कि ऐसी स्थापनाएं हमारे सामने पेश की जा रही हैं कि जो राष्ट्रीय नेता थे या जो उनके समर्थक प्रांतीय नेता फिर उनके समर्थक स्थानीय नेता रहे वे किसी राष्ट्रवादी विचारधारा की तहत एक दूसरे से नहीं जुड़े उनके मन में किसी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना नहीं थी बल्कि वे अपने छोटे छोटे जो भौतिक स्वार्थ जिन्हें आप कह सकते हैं अपने हित साधन के लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर रहे हैं यह इस इतिहास लेखन के मूल प्रस्तावना मूल निष्कर्ष आप इसे कह सकते हैं कि भारत में इसका मतलब है कि स्वाधीनता संग्राम के पूरे दौर में कोई राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं और राष्ट्रीय चेतना नहीं थी तो इसका मतलब कि राष्ट्र का जो अक्स स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी न रहा हो तो विचारधारा को एक तरफ से एक तरह से कहें तो सिरे से खारिज कर देने की बात है और यदि कुछ शेष रह जाता है तो वह जोर तोड़ दावे प्रति दावे जिसके मूल में स्वार्थ निहित था इसकी इस इतिहास लेखन के पृष्ठभूमि में जाएं तो हम पाते हैं कि यह जो राजनीति को देखने परखने का नजरिया है वह दरअसल जॉन गैलेगर और रोनल्ड रॉबिन्सन दो इतिहासकारों के हालिया अफ्रीका के ऊपर उनके शोध में यह बहुत प्रभावी तरीके से इस संकल्पना के बीच निहित इस जो ऐतिहासिक मॉडल के बीज निहित थे अफ्रीका के अपने शोध के दौरान इन दो इतिहासकारों ने यह दिखाया कि अफ्रीका में औपनिवेशिक राज्य के विस्तार का जो इतिहास है वहाँ अफ्रीका के नेतृत्व और औपनिवेशिक सरकार दोनों के ही हित में औपनिवेशिक राज्य का विस्तार था और दोनों परस्पर अपने हितों के लिए एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे थे अफ्रीकी अभिजात वर्ग और औपनिवेशिक सरकार और इसी औपनिवेशिक सत्ता और स्थानीय नेतृत्व, शीर्ष स्थानीय नेतृत्व इनके कोलैबोरेशन के द्वारा इन दो इतिहासकारों ने अफ्रीकी राजनीति की समझ सामने रखी यह आलेख बेहद प्रभावशाली हुआ बेहद चर्चा में रहा और यहाँ से अंतर्दृष्टि लेते हुए इसी फ्रेम के साथ अनिल सिल ने और उनके सहयोगियों ने अफ्रीका के अनुभव को भारतीय संदर्भों में आधुनिक काल के संदर्भों में उपयोग में लाया कुछ और पहले जाते हैं तो अफ्रीका का यह अध्ययन और भारत में अनिल सिल और उनके सहयोगियों द्वारा जो यह अध्ययन जिसकी बात हम कर रहे हैं यह इतिहास लेखन चार्ल्स नेमियर के शोधों पर आधारित था जिन्होंने सत्रहवीं सदी इंग्लैंड के इतिहास में स्थानीय कारकों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच के संवाद की बात की थी संबंधों की बात की थी और उसके जरिए इंग्लैंड के में नेशनलिज्म की के इतिहास को लिखा था तो दरअसल इतिहास में इसे आप कह सकते हैं कि अभिजात्य या जो प्रभावी तबका है उसके व्यवहारों के अध्ययन के आधार पर आप सामाजिक इतिहास या राजनीतिक इतिहास रचते हैं इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोसोपोग्राफी यदि आप मान लें मुगल साम्राज्य का मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ उस समय के नॉबिलिटी अमलों दरबारियों के खडयंत्रों की बात करें और उनके जरिए उनके नज़रिए से आप उस समय की राजनीति का अध्ययन करें तो अभिजातीय स्रोतों अभिजातीय ऐतिहासिक कारकों को लेकर आप जब इतिहास का मॉडल बनाते हैं राजनीति का मॉडल बनाते हैं और वह जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रोसोपोग्राफी शब्द का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं चार्ल्स नेमिय अफ्रीका में गैलेग जॉन गैलेगर और रोनाल्ड रॉबिनसन या भारतीय संदर्भ में अनिल सील गॉर्डन जॉनसन डेविड वासब्रुक आदि के काम उसी फ्रेम में आते हैं अनिल सील ने अपनी पुस्तक में भूमिका में ही इस इतिहास लेखन की दो मूल बातों का जिक्र किया है पहला तो दो जो सेंट्रल आर्गुमेंट्स आप कह सकते हैं पहला तो यह कि भारतीय राजनीति अलग अलग स्तरों पर कार्यरत प्रणालियों का एक ऐसा तंत्र है जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं तथा इन्हें एक दूसरे से जोड़ने में औपनिवेशिक राज्य की एक अहम भूमिका रही है तो देखिए यहां इस पहले ही आर्गुमेंट को यदि हम डाइसेक्ट करें तो कम से कम तीन महत्वपूर्ण घटक हैं यहाँ एक तो यह कि जब आप किसी देश की राजनीति को देखते हैं तो उसे एक मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह नहीं देखें भारतीय संदर्भ में वे कहते हैं कि यहां केंद्र अर्थात राष्ट्रीय स्तर प्रादेशिक और या प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर ये अलग अलग वृत्त हैं लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ये जो अलग अलग वृत्त हैं क्षेत्र हैं ये असंपृक्त नहीं हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीसरी अहम बात इस पहले आर्गूमेंट में यह है कि ये जो तीनों वृत्त हैं ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं प्रणालियां हैं ये एक दूसरे से जब जुड़ी हुई हैं तो ये इन इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि इनके पीछे इनके संपर्क सूत्र के रूप में कहीं न कहीं औपनिवेशिक राज्य की अहम भूमिका रही है तो इस मॉडल में राजनीति के इस मॉडल में स्थानीय स्तर हुआ और उसकी राजनीति हुई प्रांतीय स्तर हुआ वहां का, की राजनीति हुई अखिल भारतीय स्तर की राजनीति हुई और इन सब को एक दूसरे से जोड़ने बाला चौथा ऐतिहासिक घटक हुआ वह औपनिवेशिक साम्राज्य अनिल सिल कहते हैं कि साम्राज्यवाद ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने स्थानीय समाज को स्थानीय राजनीति को प्रदेश की राजनीति से और राष्ट्र के साथ एक सूत्र में बांध दिया राष्ट्रवाद इसी संरचना के बरक्स इसको मैच करते हुए खड़ा हुआ और यदि हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इनमें से प्रत्येक स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा लेकिन हम किसी भी स्तर पर अध्ययन कर अपने आप में एक पूरी तस्वीर नहीं पेश कर सकते तो अर्थात प्रत्येक स्तर पर अध्ययन करना होगा लेकिन प्रत्येक हर स्तर का अध्ययन अपने आप में पूर्ण फुल कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं हो सकता है जब तक कि आप उन्हें एक दूसरे के साथ जोर कर न देखें तो ये एक तरह से कहें तो बहुत ही विस्तृत एक आर्किटेक्चर राजनीति का राजनीति की संरचना हमारे सामने आती है जो कई स्तरों पर हमारे हमारा ध्यान खींचती है और फिर उनके आपसी तालमेल की बात है इस संरचना के अध्ययन में करने के लिए इन इतिहासकारों ने इस बात की तहकीकात शुरू की कि वे कौन से मोटिव्स रहे वह क्या इच्छा शक्ति रही जिसने इन अलग अलग स्तरों पर कार्यरत ऐतिहासिक एक्टर्स नेताओं को एक दूसरे से जोड़ा और यहां ये कहते हैं दिखाते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोकबाग अभिजन खासकर अपने हितों के लिए अपने बराबरी के लोगों से प्रतिस्पर्धा दैनिक जीवन के भौतिक हित के ऊपर प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सरकार से अपनिवेश राज्य से कोलैबोरेट करना शुरू किया लेकिन जब कोई एक तबका या एक शख्स राज्य के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका प्रतिस्पर्धी वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वह अपने सहयोगियों और कोलेबरेटरों की तलाश करता है या फिर जो तबका सरकार के साथ कोलेबोरेट कर रहा है अपने हितों की रक्षा के लिए जब वह सरकारी रवैये से नाखुश हो जाता है तो दबाव बनाने के लिए अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए अपने हित के रक्षा के लिए वह नए किस्म के कोलैबोरेशन बनाता है तो इस तरह से कोलेबोरेटरों का एक समुच्चय हमारे सामने उभर कर आता है इस सांठगांठ में लोगों का औपनिवेशिक सत्ता से मनमुटाव किसी विचारधारात्मक या राष्ट्रीय चेतना के कारण नहीं बल्कि छोटी मोटी हित साधन से प्रेरित था ये इतिहासकार दिखाते हैं कि जिस तरह औपनिवेशिक सरकार नेटवर्क बना रहे थे मित्र और कोलेबोरेटर बना रहे थे उसी तरह स्थानीय नेता प्रादेशिक नेता भी समान स्तर वालों के साथ और अपनी से ऊंची हस्ती वालों के साथ भी एक नेटवर्क तैयार कर रहे थे अर्थात दबाव बनाने के लिए स्थानीय नेता प्रांतीय नेताओं के साथ संपर्क साध रहा था प्रांतीय नेता अखिल भारतीय नेताओं के साथ संपर्क कर रहे थे तो यह संपर्क और कोलैबोरेशन क्षेत्रिज और ऊर्ध्वाधर अर्थात स्थानीय नेता स्थानीय स्तर पर भी संपर्क कर रहे हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं और स्थानीय नेता प्रांतीय नेताओं के साथ भी एक प्रांत के नेता दूसरे प्रांत के नेता के साथ और एक प्रांत के नेता अपने से ऊपर राष्ट्रीय नेताओं के साथ ये दोनों स्तर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही स्तरों पर यह कोलैबोरेशन या, या नेटवर्क कार्यरत था तो ये मूल मान्यता और मूल प्रस्तावना नौ कैम्ब्रिज इतिहासकारों का रहा और जब हर कोई एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है वह भी अपने स्वार्थ हेतु तो ऐसे में कोई राष्ट्रीय चेतना की बात करना इन लोगों ने उस संभावना को सिरे से नकार दिया यहां इन कोलैबोरेशनों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफी अवमाननापूर्ण लगा भारतीय इतिहासकारों को जैसे जुडित ब्राउन गांधी के महात्मा गांधी के अनुयायियों के लिए कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं अर्थात एक किस्म की राजनीतिक राजनैतिक ठेकेदारी की बात की जा रही है जो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए बेहद ही प्रोवोकेटिव प्रस्तावना थी यहाँ जुडित ब्राउन की पुस्तक में महात्मा गांधी एक चतुर राजनीतिक मैनेजर की तरह नजर आते हैं जो हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के जोर तोड़ के साथ अपनी राष्ट्रीय छवि का निर्माण कर रहे हैं इसकी तुलना में थोड़ा सा गहरे जाएं और कुछ हद तक इस सरलीकृत संरचना के परे क्रिस्टोफर वेली इलाहाबाद के ऊपर ध्यान केंद्रित कर वहाँ स्थानीय राजनीति में जो वाणिज्यिक वर्ग है उसका औपनिवेशिक साम्राज्य के साथ किस तरह के ताल्लुक रहे उनकी तरफ हमें ले जाते हैं और साथ ही वे इस वाणिज्यिक तबके व्यापारिक तबके के ऊपर केंद्रित अपने शोध में जो धार्मिक विचारधारा और राजनीति किस तरह एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर रहे हैं यह हमें बताते हैं जो कई नई अंतर्दृष्टियों के से भरपूर है वहाँ बेली के अध्ययन में यह महज दैनिक या भौतिक स्वार्थों की बात तक सीमित नहीं है जो उन्हें नव कैम्ब्रिज इतिहासकारों के बीच भी एक अलग स्थान प्रदान करता है क्रिस्टोफर बेली की दूसरी पुस्तक जो उत्तर भारत के व्यापक फलक को 18वीं सदी के संदर्भ में हमारे सामने लाता है रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स नॉर्थ इंडिया इन एटीन सेंचुरी वहाँ वे अट्ठारवीं सदी के ऊपर जो अब तक स्थापित मान्यता रही और वह मान्यता यह थी स्थापित मान्यता कि अट्ठारहवीं सदी एक पतन का युग था जहां अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी पतनशील थी मुगल साम्राज्य 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतनोन्मुख था और इसका असर अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू पर पड़ा उसे एक डार्क एज के रूप में माना जा रहा था इस स्थापित मान्यता को उन्होंने चुनौती दिया और आंकड़ों के साथ व्यापारिक घरानों के पारिवारिक दस्तावेजों के अध्ययन के जरिए स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिकल फिगर्स के आधार पर एक हर दृष्टि से कहें तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के बीच के गहरे ताल्लुकात को दिखाते हुए बेली बताते हैं कि 18वीं सदी में नौमात्र अर्थव्यवस्था में जो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ हम पाते हैं वरन इस समय जहां केंद्रीय शक्ति पतनशील थी वहीं छोटे छोटे शहरों और व्यापारिक गतिविधियों की भरपूर मात्रा में उपस्थिति हम पाते हैं और यह एक बेहद समृद्धकारी इतिहास हमारे सामने आता है अठारहवीं सदी के ऊपर तो क्रिस्टोफर वेली का इसलिए जिक्र करना जरूरी है जैसा हम पिछले लेक्चर्स में भी कहते आ रहे हैं कि जब हम किसी एक ऐतिहासिक इतिहास लेखन की विचारधारा की बात करते हैं तो उसके हर सदस्य जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की बात कर रहे हैं या एक ही ढांचे में रहकर बात कर रहे हैं एक ही सिद्धांत हमारे सामने पेश कर रहे हैं जब हम इन सब बातों को समग्रता के साथ सोचते हैं और नव कैम्ब्रिज या नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो आज के समय से इनकी सीमाएं बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं भले ही नए स्रोत हमारे सामने आए एक बहुत बड़ा आर्काइव जो अब तक अछूता था वह इतिहास के किताबों में सामने आया जिसको फॉलो करते हुए बाद की पीढ़ियों ने अलग अलग प्रस्तावनाएं, अलग अलग निष्कर्ष निकाले लेकिन यदि क्रिस्टोफर बेली के इस 18वीं सदी के काम या फिर इलाहाबाद के ऊपर उनका जो काम स्थानीय राजनीति के ऊपर जो उनका कार्य है इन दो को हम अलग करें तो इस इतिहास लेखन में इस स्कूल में उपयोग की जाने वाली ऐतिहासिक स्रोत अंग्रेजी भाषा तक के दस्तावेजों तक ही सीमित थी दूसरी बात कि इन साक्ष्यों की संख्या बेहद ही हैरत अंगेज कर देने वाली हो सकती हैं लेकिन ये मोटे तौर पर कहें तो सरकारी दस्तावेजों के तक ही सीमित नजर आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन इतिहासकारों ने औपनिवेशिक आर्काइव को इन सरकारी दस्तावेजों को उनके हर्फों को आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं जांचा परखा एक इतिहासकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने साक्ष के साथ बेहद कठोरतापूर्ण रवैया के अपनाए और वहां एक ही तथ्य को अलग अलग उसके पाठ की संभावना को हमेशा खुले रखे यह क्रिटिकल जो नजरिया होता है इतिहासकार का अपने साक्ष्यों के प्रति अपने तथ्यों के प्रति वह बेहद जरूरी है अन्यथा जो सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं यदि वही इतिहासकार भी मान ले तो फिर इतिहास लिखने में इतिहासकार की मध्यस्थता की कोई मायने ही नहीं रह जाती तो ऐसे में इन सरकारी दस्तावेजों को सह अपने ऐतिहासिक सैद्धांत की गढ़ लेना जोड़ लेना यह बहुत उचित नहीं लगता है फिर इसके साथ हम यह भी पाते हैं कि इन दस्तावेजों में लिखी बातों को अपने पहले से बनाए राजनीति के फ्रेम में ढाल लेना वह भी अपनी सुविधा अनुसार और यह फ्रेम जो जैसा हमने अभी बात किया कि अफ्रीका के राजनीति से उधार लिया गया था यह ऐतिहासिक शिल्प के दृष्टि से भी बहुत नैतिक नहीं जान पड़ता है इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह छूट जाता है कि जब महात्मा गांधी को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हजारों और लाखों की संख्या में आम जन अनुकरण कर रहे थे उनकी बातें सुन रहे थे तो इन स्थानीय नेताओं और इन प्रांतीय नेताओं के नीचे ये लोग ये अनुयायी ये क्यों राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ रहे थे इस बात की तसल्ली इस प्रश्न का पूर्वक जवाब हमें इस इतिहास लेखन से तो कम से कम नहीं मिलता है अंत में बड़े सवाल राजनीति और इतिहास की बाबत यह है कि क्या हम राजनीति राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लोगों के परस्पर हितों के गुणनफल के रूप में मान लें या यह इस जोर घटाव से कुछ अधिक था क्या राष्ट्रवाद की बात करते हुए हम उस चेतना को सिरे से खारिज कर दें वहाँ मानवीय भावना का कोई स्थान नहीं है क्या इतिहास में मानवीय भावना का देश और समाज की बेहतरी करने जैसी कोई भावना नहीं हुआ करती है क्या महज हित साधने के लिए ही लोग संबंध बनाते हैं लोग कोलैबोरेट करते हैं या फिर जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं प्रांत राष्ट्र के साथ जुड़ता है स्थानीय राजनीति प्रांतीय राजनीति के रूप में सहयोग देती है तो वहाँ उसका कोई मान भी है और सामाजिक पक्ष भी तो होता होगा ना तो इन मानवीय और सामाजिक पक्षों की बात क्या हम राजनीति के उस रियल पॉलिटिक फ्रेम में इनका कोई स्थान नहीं है और फिर सवाल यह भी रह जाता है कि क्या राजनीति और राष्ट्रवाद की राजनीति में संस्कृति या लोगों की आम जिंदगी जो महज लाभ हानि से तय नहीं होती हैं उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट स्वार्थ लाभ हानि क्या यही आदमी और समाज का निर्माण करते हैं या जब हम सामाजिकता की बात करते हैं तो या फिर राजनीति की सामाजिकता की बात करते हैं तो हमें अपने आप को अपनी दृष्टि को इस दुनियावी मसलों से आगे भी ले जाना होगा दुनियावी मसले जरूरी हैं और एक भौतिकवादी इतिहास दृष्टि से भी दुनियावी मसले लोगों के दावे प्रतिदावे लाभ हानि की बातें इनसे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन क्या हम इतिहास दृष्टि को यहीं तक सीमित कर दें ऐसे में जो कई सभ्यता जनित सवाल पहले उठाए जाते रहे चाहे वे रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा द्वारा हो या महात्मा गांधी द्वारा हो या फिर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा हो उन सवालों से क्या हम मुंह मोड़ लें और हम महज रियल पॉलिटिकल स्तर पर कोलैबोरेशन के द्वारा परस्पर स्वार्थ और हितों के द्वारा ही भारतीय राजनीति को व्याख्यात करें ये सवाल हमारे जहन में रह जाते हैं इस इतिहास लेखन से रूबरू होते हुए भी बहरहाल जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इतिहास की ये किताबें बेहद उत्तेजक रहीं इन्होंने राजनीति को देखने का नया नजरिया दिया नए स्रोत सामने रखे और बेहद उत्तेजना के साथ राष्ट्रवाद को देखने का एक नया आयाम मिला यहाँ हम अपनी बात यही समाप्त करेंगे और आगे देखेंगे कि जिन मानवीय भावना की बात मैं अपने अंत के सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं जिस सीमित आर्काइव अंग्रेजी भाषा के साक्ष्यों के दायरे तक तो सीमित हो जाने की बात मैंने अभी कही इन दोनों विषयों पर अर्थात जो वर्नेकुलर सोर्सेज हैं और राजनीति की जो सामाजिकता इसका जो दैनिक जीवन है इसमें जिस प्रकार के मानवीय संबंधों की बात है और इससे अधिक आगे जाकर वह सवाल है कि जब कोई हजारों लाखों अनुयायी महात्मा गांधी को फॉलो कर रहा है उनको महात्मा मान रहा है तो वह किन शर्तों पर हो रहा है और जब गांधी जी को महात्मा की छवि से नवाजा जा रहा है तो उस छवि को देखने का इतिहास क्या हो इस बारे में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अगले लेक्चर में जब हम 1970 के दशक के मध्य से और 1980 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित हुए सवर्टन स्कूल या इतिहास धारा की बात करेंगे शुक्रिया